आज हम बनाएंगे चिकन करी। ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है और झटपट से बन भी जाती है। हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले चिकन को मैरिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मैरिनेट करने के लिए 400 ग्राम चिकन को धो के रखा हुआ है। फिर साथ में मैंने मसाले रखे हैं जिससे मैं चिकन को मैरिनेट करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक छोटा चम्मच नमक है, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर है, एक छोटा चम्मच हल्दी है, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और साथ ही एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन में एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद यहाँ पे हम ये सारे मसाले जो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे और फिर चिकन में इन सभी मसाले को बिल्कुल अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ पे मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला दिया है चिकन में। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए 15 से 20 मिनट तक रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और तब तक हम अपने मसाले तैयार करेंगे। अब हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 प्याज ले रखे हैं छोटे कटे हुए, एक टमाटर ले रखा है छोटा कटा हुआ और मैंने 3 हरी मिर्च ले रखी है छोटी कटी हुई, एक लाल खड़ी मिर्च ले रखी है, एक छोटा चम्मच खड़ा जीरा ले रखा है, 4 से 5 गोल मिर्च के दाने, 4 लौंग ले रखा है मैंने। साथ में मैंने यहाँ पर एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची ले रखी है और यहाँ पर मैंने 1 इंच दालचीनी ले रखी है और एक तेज पत्ता और साथ ही मैंने यहाँ पर पाउडर मसाले भी ले रखे हैं जिसमें मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच हल्दी ले रखा है, एक छोटा चम्मच जीरा ले रखा है, 2 छोटा चम्मच धनिया ले रखा है, 2 छोटा चम्मच चिकन मसाला और साथ ही आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ले रखा है। मसाला तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले कुकर को गैस पर चढ़ा दिया था। कुकर के गर्म होते ही मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाल दिया था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि तेल भी गर्म हो जाए। यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें सबसे पहले हम खड़े मसाले के साथ कटे हुए हरे मिर्च डालेंगे। आप ये सारे मसाले देख सकते हैं, हम इसे अब कुकर में डालेंगे और इसे करीब 1 मिनट तक भूजेंगे। एक मिनट तक खड़े मसालों को भूनने के बाद अब इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। एक से 1.5 मिनट के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे। आप थोड़ा सा नमक डालें और उसे अच्छे से मिला लें ताकि प्याज हमारा जल्दी गल जाए और साथ ही आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें और प्याज को धीरे धीरे भूनिए। आप देख सकते हैं हमारा प्याज अच्छे तरह से भुन चुका है और इसे ब्राउन होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे फिर हम 1 से 2 मिनट तक वापस से भूनेंगे। जिंजर गार्लिक डालने के बाद हमने इसे 2 मिनट तक अच्छे से भुना और आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। जब आपका प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का दिखने लगे तब आप इसमें बिल्कुल धीरे धीरे करके पानी डालें और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें ताकि हमारा प्याज अच्छे से गल जाए। ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे अच्छे से चलाते रहें। मैंने प्याज को 2-3 बार बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके भुना और थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और सेम टमाटर को प्याज के साथ गलाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर को डालने के बाद कुकर को ढक ढक के बीच बीच में चला चला करके टमाटर को 2-3 मिनट तक पकाया। 2-3 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें अपना चिकन डालेंगे और चिकन को डालने के बाद फिर इसे वापस से 5 से 7 मिनट तक भून भून के पकाएंगे। 5 से 7 मिनट पकने के बाद
फिर हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे। फिलहाल तो हमें इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून के पकाना है। 5 से 7 मिनट तक चिकन को भूनने के बाद हम इसमें अब हमारे पाउडर्ड मसाले डालेंगे और इसे वापस से 1 मिनट तक भूनेंगे। और साथ ही पाउडर्ड मसाले के साथ इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालें और ये ध्यान में रखें कि हमने नमक पहले भी प्याज को भूनते वक्त और चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी डाला है, तो उसके अनुसार आप नमक डालें। मसाले को 1 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसमें ऑलरेडी पानी डाल दिया है। आप 1 से 1.5 गिलास तक पानी डालें। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला हुआ है। जैसे आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। 1 से 1.5 गिलास से ज़्यादा पानी ना डालें। और फिर इसे हम प्रेशर लगाएंगे। अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और 1 सीटी लगने का इंतज़ार करेंगे। जैसे 1 सीटी लग जाएगी हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को प्रेशर रिलीज करने के लिए छोड़ देंगे। आप कुकर बिल्कुल भी ना खोलें, इसे प्रेशर खुद ब खुद रिलीज करने दें। कुकर का 1 सीटी लगने के बाद और प्रेशर को खुद ब खुद रिलीज़ करने के बाद हमारा चिकन रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं चिकन कितना अच्छा बना हुआ है। आप अपने स्वादानुसार अगर चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। मुझे घी पसंद है तो मैंने इसमें घी भी डाल दिया है, वो काफ़ी अच्छा फ्लेवर लाएगा इसमें। और आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।